नमस्कार, स्वागत है आपका प्रज्ञा जी के YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। प्रधानमंत्री जी के वो शब्द मुझे याद है जब अयोध्या के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, तब उन्होंने कहा था, राम काज तो हो गया, अब राज काज पे ध्यान देंगे। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, राम लला हमारे कहीं किराए के घर पे थे या वहां मकान मालिक ने उनको बोला जल्दी खाली करो, इसलिए आधे अधूरे घर में यानी मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और फिर उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भगवा पहनते हैं, योगी है, तो ये तो डबल तड़का हो गया, डबल इंजन की सरकार, डबल तड़के का राजकाज, राम जी की कृपा से राम राज्य, और फिर उस राम राज्य पे सरकार चलाने वाले स्वयं योगी जो गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर है। ऐसे में यदि मैं कहूं आपको कि राम जी के मंदिर में, तब राम जी के अयोध्या में चोरी हुई, हालांकि अयोध्या का कैरेक्टर क्या है ये मैंने नहीं कहा, ना ये चैनल कह रहा है। जब राय साहब जो उस न्यास के ट्रस्टी हैं, उन्हें जब कुछ लोगों ने चांदी के फूल भगवान के चरण में अर्पण करने के लिए राय, तो उन्हें कहा कि मैं इसको क्या करूंगा, कहां रखूंगा, इसको रखने की जगह नहीं, यहां तो चांदी और सोने के लिए अयोध्या में कोई किसी का गला काट दे। करीब करीब देश के सभी जगह पे ऐसा है, क्योंकि जब विषमताएं बढ़ती है समाज में तो ऐसी होती बातें होती है। लेकिन ये चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं, ये चोरी है, लिपापोती है भ्रष्टाचार की। ये क्या है ये आपको तय करना है, जब ये पूरी खबर मैं आपके सामने पेश करूंगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने दो लोगों को ठेके दिए, यश एंटरप्राइजेस और कृष्णा ऑटोमोबाइल। अब ये मत पूछिए कि कृष्णा ऑटोमोबाइल लाइट लगाने का ठेका कैसा कर लेती है, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। तो ये दो लोग यश एंटरप्राइजेस और कृष्णा ऑटोमोबाइल ने राम पथ और भक्ति पथ, ये जो दोनों रास्ते हैं मंदिर की तरफ जाने वाले, मोस्ट वीवीआईपी एरिया है, वहां लाइट लगाने का टेंडर ठेका इन्हें मिला। अब राम पथ पर 6400 बांबू लाइट्स लगे, ये वैरायटी होती है पेड़ों में, और भक्ति पथ पर 96 गोवा प्रोजेक्टर लाइट्स, ये भी एक लाइट की वैरायटी है, ये लगाए गए हैं, और इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। अब ये लाइट लगे, 19 मार्च तक वो लाइट थी, ऐसे इन ठेकेदारों का कहना है। 19 मार्च 2024, 9 मई को, 2 महीने बाद, जून और मई, 1.5 महीना कहिए, महीने बाद उन लाइट का निरीक्षण किया गया, तो उसमें पाया गया कि राम पथ पर जो 6400 बांबू लाइट लगे हुए थे, उसमें से 3800 लाइट चोरी हो गए, और भक्ति पथ पर जो 96 गोवा प्रोजेक्टर लाइट थे, उनमें से 36 गोवा प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गए। समय देखिए, 19 मार्च तक लाइट थी, ठेकेदारों का कहना, लेकिन 1.5 महीने बाद 9 मई को जब निरीक्षण किया गया, तो 3800 लाइट एक स्ट्रीट पे और 36 लाइट बड़े एक स्ट्रीट पे चोरी होने की बात आ गई। लेकिन
ये बात आज क्यों समझ में आ गई? क्योंकि 9 मई के बाद 9 जून निकल गया, 9 जुलाई निकल गया और फिर 9 अगस्त आया। 3 महीने बाद राम जन्मभूमि थाने पर इसकी कंप्लेंट होती है और फिर FIR दर्ज होती है और फिर सबको पता पड़ता है कि 19 मार्च 2024 के बाद 50 लाख रुपए की लाइटें, 3800 रामपथ की बांबू लाइट्स और 36 भक्ति पथ पर की गोबा प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गई। अब ये हाई प्रोफाइल एरिया है, VVIP एरिया है। इतने दिन 19 मार्च के बाद निरीक्षण 1.5 महीना बाद क्यों हुआ लाइट का, सवाल ये है। लाइट बंद होती है तो तुरंत कंप्लेंट करते हैं, वो ऐसा भी नहीं कि आइसोलेटेड एरिया है जहां पे कोई भी लोग जाते ही नहीं है। वो लगातार जिस हिसाब से लोग अयोध्या जाना बढ़े हैं वो रहदारी का रास्ता है, लगातार उसमें ट्रैफिक होता है। इतनी बड़ी तादाद में लाइट चोरी हो गई और किसी को पता नहीं। जब 9 मई को पता भी पड़ गया था तो तुरंत 9 मई को FIR दर्ज क्यों नहीं की? FIR दर्ज करने के लिए 3 महीने का समय क्यों लिया? अब पुलिस इन्वेस्टिगेट क्या करेगी, क्योंकि वो VVIP एरिया है, बहुत सिक्योर्ड जोन है। जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, उसके बाद वहां सिक्योरिटी बढ़ी है, आतंकी हमलों से लड़ने की क्षमता वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे हैं। इन सब के नाक के नीचे एक या दो नहीं, 3600 लाइट और 36 उससे भी बड़ी लाइट है चोरी हो जाना, ये समझ के परे है। क्या लाइट बगैर लगाए बिल लेने की जुगाड़ थी? क्या सिर्फ कुछ जगह लाइट लगा के ही पूरी लाइट लगा के बिल वसूलने की जुगाड़ थी? यह जुगाड़ नहीं चली इसलिए चोरी की रिपोर्ट दी गई? लाइट कम है ये पता पड़ने के बाद भी 3 महीने क्यों रुके? ये राम राज्य में कैसा संभव है, योगी राज में कैसा संभव है? क्या अब बुलडोजर योगी जी का इन दो एंटरप्राइजेस पे दौड़ेगा? और 3 महीने पहले चोरी हुई लाइट की अब यूपी पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? ऐसे कई सवाल है जो आम आदमी के दिमाग में है। योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से राजकाज में बिजी है और उनका राजकाज के मायने राजनीति है। दिल्ली और लखनऊ की इस लड़ाई में पूरे प्रदेश का नुकसान हो, लोकसभा में चुनाव के हार का ठीकरा योगी जी के सर पे, योगी जी दिल्ली के सर पे। इसके बाद 10 उपचुनाव है योगी जी के लिए। अयोध्या में चोरी होती तो होती रहे, दलितों पे अत्याचार होते हैं तो होते रहे, बाढ़ से लोग मरते हैं तो मरते रहे, उनका फोकस ये 10 उपचुनाव है। क्योंकि इस 10 उपचुनाव ही तय करेंगे नतीजे 10 उपचुनाव के कि क्या योगी जी मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे या वापस गोरखपुर जाके मठ की गद्दी संभालेंगे। इस पूरे आपाधापी में योगी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिजी है, दिल्ली योगी जी को भगाने में बिजी, पुलिस VIP सिक्योरिटी में बिजी है, ठेकेदार कहो या चोर कहो, लाइट कौन खा गया ये पता नहीं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, हमारे सनातनी धर्म में कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसका मतलब राम नाम जपते जा, तू भी जप मैं भी जप रहा हूं, राम राम बोलते जाओ, पुण्य संचित करते जाओ। लेकिन इन्होंने उसका अर्थ उल्टा रखा, राम नाम से लूट है, लूट सके तो लूट। राम का नाम लेके जितना लूट सकते हो लूटो, चुनाव के समय जनता से मतदान मत लूटो,
मंदिर के नाम पे जमीन खरीदते समय लूटो, मंदिर बनाते समय ठेकेदार लूटता है नहीं तो पानी टपकता नहीं, मंदिर के रास्ते जो बनाता है वो ठेकेदार लूटता है नहीं तो अयोध्या के रास्ते एक बरसात में इतने बड़े गड्ढों के साथ मुंह खोले खड़े नहीं होते। और अब लाइट के ठेकेदार और चोर राम के नाम से फिर लूट रहे हैं। और हमारे योगी जी चुनाव में व्यस्त है, थोड़ा बहुत समय मिलता है तो बांग्लादेश में मंदिरों के साथ क्या हो रहा है इसके लिए वो चिंतित है, अयोध्या में क्या हो रहा है इसके लिए उनको कोई चिंता नहीं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसलिए वो चिंतित है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है ये चिंतित है। लेकिन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान जहां वीआईपी एरिया में मोस्ट सिक्योर एरिया में चोर अपना हाथ साफ करके जाता है या ठेकेदार भ्रष्टाचार करता है, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं पता नहीं क्योंकि 3 महीने बाद की चोरी का क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, या लिपापोती के लिए सब किया जा रहा है किसी को पता नहीं। लेकिन कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है अयोध्या में इसकी एक और झलक लोगों के सामने आई। तो मैं हमेशा कहता हूं भगवे के मायने सन्यासी नहीं, भगवे के मायने योगी नहीं, भगवे के मायने साधु नहीं, क्योंकि जिस राम का नाम लेके हम हमारी सुबह शुरू करते हैं और जब अंतिम यात्रा पे जाते थे भी राम नाम सत्य बोलते हैं, उसी रामायण में माता सीता का हरण करने रावण भगवाई पहन के आया था। मैं किसी को रावण नहीं कह रहा हूं, मैं भगवे के अंदर छुपे हुए प्रवृत्ति पे प्रहार करना चाहता हूं, जो मेरे अयोध्या की रक्षा न कर पाए, जो राम मंदिर में भ्रष्टाचार होते हुए उसको नहीं बचा पाए, जो प्रदेश के अभिभावक होते हुए भी पिछड़ों पे अन्याय होता हुआ देख पाए, यदि बुलडोजर भी चले तो सिर्फ मुसलमान और यादवों पे चले, जो अधिकारी भी यादव और मुसलमान हो नहीं चाहिए इस धारणा से राज करता हूं, उसे मैं क्या कहूं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा प्रज्ञा जी का उल्टा चश्मा।